हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑयल का फ्लो कैसे होता है इंजन में, या लुब्रिकेशन फ्लो के बारे में बात करेंगे इसमें, इंजन में होने वाले लुब्रिकेशन फ्लो के बारे में। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इंजन में जो है, इंजन को ऑयल को उठाने के लिए पंप लगा होता है, जैसे ऑयल पंप या इंजन ऑयल पंप भी कहते हैं। तो इंजन ऑयल पंप क्या करता है, सबसे पहले जो अपना स्टेनर या सम्प होता है, उस सम्प से ऑयल को कहते हैं सक करता है, क्योंकि सब में आप देखते हैं कि सारा के सारा ऑयल अपना स्टोर रहता है, और वही जो स्टोर ऑयल है वही अपना इंजन में सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले सम्प जो है वो उसको सक करेगा, सक करने के बाद फिर अपना आगे को प्रेशराइज करेगा। तो कैसे कैसे अपना प्रेशर दे करके आगे भेजता है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा कहते हैं ऑयल पंप है, वो ऑयल भेजता है अपना ऑयल फिल्टर बॉडी जो लगी होती है, ऑयल कूलर जो लगाता है उसमें इन करता है। सबसे पहले हमारा ऑयल ठंडा करते हैं हम लोग, ठंडा करने के बाद उसे फिल्टर करते हैं, फिर फिल्टर करने के बाद हम उसको इंजन में सर्कुलेट करते हैं। इंजन ऑयल कूलर, हमारे इंजन में जो ऑयल कूलर लगा होता है उसका मेनली काम होता है इंजन का जो ऑयल है उसको ठंडा करना, क्योंकि आप लोगों को पता है जब इंजन कंटिन्यू रनिंग में होता है तो जो उसका ऑयल है वो गर्म होने लगता है। तो इंजन ऑयल जब गर्म होता है, अगर वो गर्म होगा तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, इसलिए उसको एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंजन जो ऑयल है उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑयल कूलर लगाया है, जो हमारा कूलेंट बहता है वो कूलेंट हेल्प करता है इंजन ऑयल को ठंडा करने में। सेकेंड पार्ट हमारा आता है ऑयल फिल्टर, जो इंजन ऑयल फिल्टर है उसके बारे में बात करते हैं। इंजन ऑयल फिल्टर जो है वो हमारा फिल्टर करता है इंजन के ऑयल को, क्योंकि क्या है, कंटिन्यू जब हमारा इंजन रनिंग में रहता है तो उसमें से हो सकता है कोई चिप्स या बर्स फॉर्म हुए हो या कोई पार्टिकल टूट गया हो, तो वो आकर के अपना क्या होगा, ऑयल में वापस आ जाएगा। जब अपना इंजन रनिंग में होगा ऑयल में वापस आ जाएगा, और ऑयल में वापस आने के बाद उसको हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है। अगर हम लोग फिल्टर नहीं करेंगे तो हमारे इंजन में वापस चला जाएगा, और हमारे सिस्टम में अगर वो वापस चला जाएगा तो क्या करेगा, वो अपना इंजन को डैमेज कर देगा, इसलिए उसको क्लीन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑयल फिल्टर के बाद जो तीसरा पार्ट अपना मेजर आता है वो आता है ऑयल पंप। तो ऑयल पंप का जो मेन बेसिकली काम होता है वो होता है इंजन का जो सम में ऑयल अवेलेबल है उसको इंजन से खींचना, और फिर हमारे पूरे इंजन में सर्कुलेट करना प्रेशराइज कर करके, क्योंकि बिना प्रेशर के इंजन ऑयल चढ़ेगा नहीं, पूरे इंजन में जाएगा नहीं। तो फिर हर एक पार्ट्स को लुब्रिकेट करने में, जो भी पार्ट्स रनिंग में है उसको लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो हेल्प करता है अपना ऑयल पंप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल पंप है, ये हमारा हेल्प करता है उसको ऑयल को हर एक पार्ट तक पहुंचाने में। ऑयल पंप अगर सीज हो जाएगा, ये जो हमारा ऑयल पंप है ये गियर टाइप का ऑयल पंप है, यानी कि इसमें दो गियर लगे हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ये एक तरफ से सक्शन करेगा और दूसरी तरफ से कंप्रेस करेगा, यानी कि एक तरफ से ऑयल को इन करेगा, खींचेगा, और दूसरी तरफ को प्रेशराइज कर करके भेजेगा। यहाँ पर जो भी आप ये दो होल देख रहे हैं, एक है ऑयल इनलेट जिसमें से ऑयल को जो है वो खींचेगा पंप, और दूसरा है ऑयल आउटलेट जिसमें से कंप्रेस्ड यानी कि प्रेशर बना करके आगे भेजेगा ऑयल कूलर में ठंडा होने के लिए। जब ऑयल कूलर में ठंडा होने के लिए ऑयल जाएगा तो वहाँ पर ऑयल ठंडा होगा, और फिर ठंडा होने के बाद फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद फिर अपना ऑयल जो है वो मेन गैलरी की तरफ जाएगा। तो यहाँ जो आप लोग होल देख रहे हैं इसमें मेनली चार होल दिए गए हैं, जिसमें एक प्रेशर बाईपास वाल्व है, एक मेन गैलरी है। तो प्रेशर बाईपास वाल्व क्या है, प्रेशर बाईपास वाल्व जो है वो जब भी आपके सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको बाईपास करने का काम करता है। मेन गैलरी वो गैलरी है जिसमें आपका जितना भी इंजन ऑयल अपना उठाया था पंप ने, वो सारा के सारा इंजन को सर्कुलेट करता है। इसके बाद जो दो और होल देख रहे हैं, उन दो होलों में एक है फिल्टर बाईपास वाल्व और एक मेन गैलरी फिल्टर ऑयल। और जो फिल्टर बाईपास है, जब भी कभी हमारा फिल्टर चोक हो जाता है तो उसको बाईपास करने के लिए फिल्टर बाईपास इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन गली का फिल्टर ऑयल इन है उसमें से सम जो पंप है वो सक कर करके ऑयल को मेन इंजन में भेजता है इसी ऑयल गैलरी इन के थ्रू। यहीं से अपना जो इंजन का ऑयल है वो सारा के सारा पहुँचता है इंजन में। तो ये आप लोग देख रहे हैं ऑयल पंप की असेंबली। तो जो ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर बॉडी की देख रहे हैं आप लोग यहाँ, इसमें ऑयल कूलर लगा होता है एक साइड में जो मैंने अभी हटा दिया। यहाँ पर अभी आप लोग जो तीन देख रहे हैं, ये तीन वाल्व लगे हुए हैं, ये तीन वाल्व जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीन वाल्व में क्या होता है, एक होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व,
जो प्रेशर को रिलीफ करता है, जब भी कभी हमारे सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिलीफ करना होता है। अगर सिस्टम का प्रेशर को हम लोग रिलीफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम फेलियर हो जाएगा, यानी कि पार्ट्स घिसने लगेंगे और जो प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा इंजन सिस्टम में। एक बाल्व होता है इसमें फिल्टर बाईपास बाल्व। जब भी कभी हमारा फिल्टर चोक हो जाता है तो फिर उसे बाईपास करना होता है, क्योंकि अगर फिल्टर चोक हो जाएगा तो फिर हमारे इंजन में ऑयल सर्कुलेट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोगों को फिल्टर को बाईपास करना होता है। तो एक फ़िल्टर बाईपास होता है, नॉर्मली फ़िल्टर होकर के ऑयल फिर जाता है, बट जब कभी फ़िल्टर चोक होता है तब बाईपास लगा होता है। और जो तीसरा वाल्व है वो है ऑयल कूलर बाईपास। अगर किसी केस में किसी भी कारण से हमारा ऑयल कूलर चोक हो जाए तो ऑयल कूलर चोक होने के बाद उसको बाईपास करना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऑयल कूलर चोक हो गया और अगर ऑयल आगे नहीं बढ़ा तो हमारा इंजन सीज हो जाएगा। तो इंजन को सीज होने से बचाने के लिए हम बिना ठंडा किए हुए ही अपने ऑयल को सर्कुलेट कर देते हैं, तो ये ऑयल कूलर बाईपास वाल्व ये काम करता है। तो हर एक वाल्व में आप लोग देखेंगे एक प्लंजर, एक स्प्रिंग लगा होगा और एक जो बोल्ट होगा टाइटनिंग बोल्ट लगा होगा। तो इन तीनों में क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कौन सा वाला स्प्रिंग और प्लंजर किस में होता है? जो छोटा वाला स्प्रिंग है, छोटा वाला स्प्रिंग अपने सेंटर में पड़ा होता है और इधर उधर जो दोनों साइड में है वो हमारे होते हैं फिल्टर बाईपास, सॉरी इधर उधर जो होते हैं वो अपने होते हैं कूलर बाईपास और प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो जो अपना यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसका यहाँ देखिए रास्ता दिखाया गया है कि कैसे करके ये फ़िल्टर के अंदर आता है, ठीक है। ये नॉर्मल ऑपरेशन है, जब नॉर्मल ऑपरेशन में अपना ऑयल जो है फ़िल्टर के अंदर आता है, उसके बाद इसके अंदर ये बाईपास होल दिखाया गया है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये बाईपास है। जब भी हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये उसको रिलीफ करने का काम करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर अपने पास दो और बाईपास वाल्व हैं, एक फिल्टर वाला और एक ऑयल कूलर वाला। तो जो ये तीनों स्प्रिंग है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो स्प्रिंग बराबर की हैं और एक स्प्रिंग जो छोटी है, तो छोटी वाली स्प्रिंग हमेशा सेंटर में लगेगी और जो दोनों बराबर के स्प्रिंग हैं वो हमेशा दाहिने और बाएं तरफ लगेंगे सेंटर स्प्रिंग के साथ। सेम सिक्वेंस में जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसी सिक्वेंस में हम लोग ये स्प्रिंगों को टाइट कर देंगे अपने, और टाइट करने के बाद फिर यहाँ अपना ऑयल फिल्टर को लगा देंगे।